अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले, खौफ खाने वाले कोई और नहीं बल्कि अहले इल्म है, इल्म रखने वाले हैं। अब जो इल्म रखने वाले हैं उन्हें पता है कि अगर हम नमाज ना पढ़ेंगे, कुरान ना पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे, अगर हमारे ऊपर हज फर्ज है, हज नहीं करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र का अज़ाब भी तैयार कर रखा है और हशर के दिन मैदान माशर का अज़ाब भी तैयार कर रखा है, और फिर करीम अल्लाह ने जहन्नम को भी आरास्ता कर रखा है, फिर हमारा जो है वहां से बचना आसान नहीं है और मुश्किल है। तो इसलिए जब दिल में डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा, इलम होगा तो कभी ये पैदा होगा। और फरमाया इसी तरह इलम के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला मकाम अता फरमाता है, और इसी तरह